इमरान खान ने नोबेल प्राइज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सेना के किस अधिकारी को धमकी देते हुए कहा है कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नेतृत्व कर रहा हूं। दोस्तों, रिहाई के बाद इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर की धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान ने खुले शब्दों में कहा है कि पाकिस्तानी सेना अपनी हद पार कर रही, अगर जनरल मुनीर अपनी औकात पार करेगा तो उसकी हालत बहुत बुरी कर देंगे। उन्होंने कहा है कि डरपोक पाकिस्तानी सेना भारत के साथ युद्ध करना नहीं चाहती, लेकिन वह पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ जुल्म ढा रही है। वह बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं पर गोलियां बरसा रही है। मैं सेना को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आप सीमा पर जाकर भारतीय सैनिकों का मुकाबला करें। आप जाइए और कश्मीर को आजाद करा लाइए, लेकिन आपसे यह काम नहीं होगा, इसलिए आप पाकिस्तान में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आज से कुछ दिनों के बाद ही भारत POK पर हमला करने वाला है, उस वक्त आपकी असली औकात का पता पूरी दुनिया को चल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि आपने पाकिस्तान में मासूमों, बुज्जों, बच्चों और महिलाओं पर गोली चलाकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है और अब आपका अंत होना तय है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के राजनीति को तहस नहस कर दिया है। जब से जनरल मुनीर पाकिस्तानी सेना का कमान संभाला है तब से पाकिस्तान की हालत बदतर हो गई। रोज पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। मुनीर से देश कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसने मुझे गिरफ्तार करके अराजकता फैलाने की कोशिश की ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आज अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो हमें अपनी पूरी जमीन गंवानी पड़ सकती है। लोगों का मानना है कि जनरल मुनीर भारतीय सेना से इतना डरता है कि वह भारतीय सेना अध्यक्ष को फोन करके कहता है कि प्लीज अभी युद्ध मत छेड़ देना। वह बार बार भारत से तरह तरह की मदद की गुहार लगाता रहता है। उसे हर पल भारतीय सैनिकों का डर सताता रहता है। पुंछ हमले के बाद भी उसकी फटकर 4 हो गई थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि कर्नाटक चुनाव के पहले भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है या फिर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। इसी वजह से उसने कैमरे पर आकर भारत के खिलाफ धमकियां देनी शुरू कर दी थी, लेकिन बैकडोर से वह अजीत डोवाल के सामने फूट फूट कर रो रहा था और किसी भी हालत में युद्ध न करने की गुजारिश कर रहा था। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया और कहा है कि वे विदेशों में जाकर भारत से मिले युद्ध में हारों का गुणगान करते हैं। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने इससे बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा है, जो अपने दुश्मन भारत के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिया। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान ने खुद को 10 साल पीछे ढकेल दिया है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने खुद स्वीकारा है कि इमरान खान के इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा है उतना पिछले 75 सालों में उसके दुश्मन भारत ने भी नहीं पहुंचाया था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान धू धू कर जल रहा था। चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए थे। लोगों ने गुस्से में सेना के अधिकारियों के घरों में आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों के सामने पाकिस्तानी सेना पंगु बन गई थी। अगर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एंटर नहीं करती तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही जलकर स्वाहा होने वाला था, क्योंकि इमरान खान के समर्थक इतने उग्र हो गए थे कि वह किसी की सुनने को तैयार तक नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के टॉप लेवल ऑफिसर्स के बीच फूट पड़ने की भी खबरें सामने आ रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अदालत ने जबरदस्त एंट्री मारी और अब पूरा का खेल ही पलट दिया। अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी पर 17 मई तक रोक लगा दी, जिसके बाद अब इमरान खान चैन से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों पर हिंसा में कमी आई है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर अभी भी भीषण आग लगी हुई है। पाकिस्तान में साफ तौर पर आम नागरिक पाकिस्तानी सेना को पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी आवाम सेना को देखना तक नहीं चाह रही। अदालत से राहत मिलने के बाद पहली बार इमरान खान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इमरान खान का यह भाषण पूरी दुनिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जेल के अंदर हुए कांड पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कई बड़े ऐलान कर दिए, जिसके बाद जनरल मुनीर चैन से सो नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह की हिंसा में शामिल न होने को कहा। उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अपने समर्थकों से घर लौट जाने की गुजारिश की। अपने नेता इमरान खान की अपील सुनकर कई जगहों पर अब धीरे धीरे प्रदर्शन कम होना शुरू हो गया। वीडियो के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को
चुनाव में हार का डर है, वही चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों ने मिलकर इस हिंसा को फैलाया है ताकि चुनाव को टाला जा सके। इमरान ने कहा, मुझ पर जब गोली चली तब अराजकता क्यों नहीं फैली? उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त चुनाव की डेट नजदीक नहीं थे, लेकिन इस बार जब मुझे गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया तो अचानक हिंसा क्यों भड़क गई? मैं तो जेल में था, मेरे सारे पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल के अंदर बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे चारों तरफ रेंजर्स तैनात थे। तो फिर हिंसा किसने भड़काई? क्या इसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ नहीं था? निश्चित तौर पर इस पूरी हिंसा को एक साजिश के तहत फैलाया गया ताकि चुनाव को टाला जा सके और अपनी हार को छुपाया जा सके। मेरे गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे बदनाम करने के लिए पाकिस्तान को जानबूझकर जलाया गया है। हम फैक्ट की जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी हिंसा नहीं करती। हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम कभी नफरत फैलाने का काम नहीं करते। उन्होंने आगे कहा है कि पीटीआई इकलौती पार्टी है जिसकी रैलियों में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी आते हैं। आगे बढ़ते हुए इमरान खान ने सेना की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने जनरल मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपनी औकात न भूलें। उन्होंने कहा कि सेना सरकार के कामों में दखलअंदाजी करके पाकिस्तानी आवाम को भड़काने का काम कर रही। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अराजकता की सारी हदों को पार कर रही। जब वे लोग मुझे गिरफ्तार करने आए तो मैं चुपचाप बैठकर उनसे वारंट मांग रहा था, लेकिन आर्मी केवल इक्विप्ड रेंजरों ने क्या किया? उन्होंने अदालत को शर्मसार करते हुए अदालत की खिड़कियों के शीशे तोड़कर मुझे गिरफ्तार करने का दुस्साहस दिखाया। इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान के आवाम ने देखा कि कैसे वहां पर मौजूद मेरे आदमियों और वकीलों को मार मार कर खून निकाल दिया गया। पाकिस्तान की जनता ऐसी आर्मी रेंजरों को कभी माफ नहीं करेगी जो अपने नापाक हुक्मरानों के आदेश का पालन कर रहे थे। जनता चुन चुन कर हिसाब लेगी और अगले चुनाव में शहबाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इमरान खान ने पूछा कि गिरफ्तार करना क्या फौज का काम है? उन्होंने कहा कि पुलिस को आना चाहिए था, लेकिन फौज क्यों आई? फौज इसलिए आई क्योंकि वे अराजकता फैलाना चाहते थे। उन्होंने हमारे लोगों को डंडे से मारा, मुझे डंडे मारे, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता को आखिर किस तरह से ले जाया गया। मैंने जितने अच्छे काम किए हैं अगर वह किसी और देश में होते तो नोबेल पुरस्कार मिल जाता, लेकिन सेना ने मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया है और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। इमरान खान ने इस दौरान सेना के DGISPR पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तब आप बयान दे रहे थे, अब मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि मैं एक पाखंडी हूं और जितना मैंने सेना को नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं किया। DGISPR साहब, ध्यान से सुनो, मैंने अपने देश का तब से पूरी दुनिया में नेतृत्व किया है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हारी औकात नहीं है जो मुझे जज कर सको। छोटी मुंह बड़ी बात करने वालों, जरा अपने काम पर ध्यान दो। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद सबसे हिसाब लिया जाएगा और सभी हिसाब को पूरा किया जाएगा। मैंने अपने देश को हर फोरम पर बचाया है। क्या मैं जो प्रधानमंत्री था तब सेना की इमेज अच्छी नहीं थी? लोग तब सेना को बेहद पसंद करते थे। मैंने अपनी सेना को कभी झुकने नहीं दिया और उसका सम्मान बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से काम किया था, लेकिन जब सेना के एक चोर जनरल ने मुझे धोखा देकर पाकिस्तान के सबसे बड़े अपराधियों को सत्ता सौंप दी तब लोग उनकी आलोचना करने लगे। सब लोगों ने सवाल किया कि आखिर चुने हुए सरकार को क्यों गिराया गया। उन्होंने सेना अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप पॉलिटिक्स में आ गए, अपनी पार्टी बना लीजिए और सीधे तौर पर मुझसे मुकाबला कीजिए। अगर आपके जिगर में दम है तो मुझे हरा कर दिखाइए। इमरान खान ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में इस हिंसा की एक स्वतंत्र जांच चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने ही पाकिस्तान को एक बहुत बड़े जलजले से बचाया है, क्योंकि अगर वह बीच में आकर अपना फैसला ना सुनाते तो पूरा पाकिस्तान जलकर स्वाहा हो जाता और पूरे पाकिस्तान पर पूरी तरह से भारत का कब्जा हो जाता। इमरान खान का दावा है कि सत्ताधारी दल और सेना ने हिंसा कराई ताकि उनकी पार्टी पीटीआई को आतंकी संगठन साबित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद सभी मीडिया पर सेंसरशिप कर दी गई। इस देश में ऐसी हालत पैदा कर दी गई जैसा कि 1975 के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाकर कर दी।